बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। आज मैं बनाऊंगी क्रीम वाला फ्रूट चाट। इसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो ये है। इसमें मैंने लिए है खुबानी, लोकार्ड, स्ट्रॉबेरी, एप्पल, माल्टे, पेरा और बनाना। आपके पास जो भी फ्रूट हो आप उससे बना सकते हैं। इसमें मैं ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर रही हूँ साथ। आपको अगर पसंद हो तो करें, नहीं तो अवॉइड कर सकते हैं। इसमें मैं ले रही हूँ खजूरें हैं, बादाम है, किशमिश है और मसालों में काली मिर्चें, चाट मसाला है, चीनी है और ये कॉकटेल जो होता है वो टिन वाला वो मैंने लिया है और क्रीम है। ये मैंने 3 पैक क्रीम के लिए हैं। आपको जो भी पसंद हो वो लें। मैंने ये वाला मुझे पसंद है, मैंने ये वाला लिया है। अब इन सब फ्रूटों को मैं काट लूँगी फिर मैं आपको बताती हूँ। सारे फ्रूट मैंने काट लिए हैं, अब मैंने मिक्स कर लेती हूँ। इसमें मैं शामिल कर लूँगी एप्पल, बनाना। बनाना और एप्पल जो है वो आखिर में काटने चाहिए जब आप मिक्स करें, नहीं तो ये फौरन ही काले हो जाते हैं। स्ट्रॉबेरियाँ आजकल बड़ी फ्रेश फ्रेश बहुत प्यारी प्यारी स्ट्रॉबेरियाँ आई हुई हैं। पाल्टे, लोकाट और खुबानी है, पेरा है यानी नाशपाती। चाट मसाला मैं अपने फ्रूट के मुताबिक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट और फ्रूट के मुताबिक इसमें शामिल कर लें। ब्लैक पेपर ये मैं थोड़ा सा इस्तेमाल कर रही हूँ, आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक इसे इस्तेमाल कर लें। क्रीम के बीच में मैंने चीनी शामिल कर ली थी, अब मैं इसके ऊपर ये डाल दूँगी। मैं इन सबको मिक्स कर लेती हूँ। मैं इसमें ये कॉकटेल जो है वो शामिल कर लूंगी। अब इसके ऊपर मैं ये ड्राई फ्रूट जो है ये खजूरें, बादाम और किशमिश डाल दूंगी। मेरा मज़ेदार क्रीमी फ्रूट चाट अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।